दोस्तों वेलकम बैक टू माय YT चैनल अगेन। तो पोको ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इसी महीने ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है पोको F2 Pro, जो कि इंडिया में Redmi K30 Pro के नाम से आने वाला है। ये स्मार्टफोन आ रहा है अपने टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन के साथ में, लेकिन अगर इसके प्राइस को देखें तो प्राइस रिलेटिवली कम होने वाला है बाकी दूसरे फ्लैगशिप स्मार्टफोन के कंपेयर में। तो इसी लाइनअप में इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है OnePlus 8। वैसे OnePlus 8 की सेल पोको F2 Pro के लॉन्च होने के बाद ही स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे पोको F2 Pro की इंडिया में लॉन्चिंग तो फिलहाल अभी अननोन है। लेकिन मीनवाइल हम लोग इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर हो सकता है। इंडिया में जो K30 Pro आएगा उसी से OnePlus 8 की कंपैरिजन वीडियो समझ के ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं। यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल टेक एक्सप्लेन, चलिए जानते कुछ बढ़िया। डिस्प्ले की बात करते हैं, पोको F2 Pro में 6.67 इंचेस वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें किसी भी तरीके का नॉच और पंच होल कटआउट नहीं है। साथ ही 92.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ में आ रहा है ये स्मार्टफोन। वही OnePlus 8 है जहां 6.55 इंचेस वाली फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। ये 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले ऑफर करता है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में पंच होल कटआउट मिल जाएगा कैमराज के लिए। हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे पोको F2 Pro एंड OnePlus 8 दोनों में कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अपनी 5G कनेक्टिविटी के साथ में आ रहा है। रैम सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोको F2 Pro में आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे, 6GB 8GB, साथ में LPDDR5 का सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद में OnePlus 8 है जहाँ पे आपको तीन रैम वेरिएंट मिल जाएंगे, 6GB 8GB और 12GB, साथ में LPDDR4X का सपोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे पोको F2 Pro में आपको 128GB वाला ही वेरिएंट मिल जाता है, साथ में UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज मिलता है। वही OnePlus 8 में आपको 128 और 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है, साथ में UFS 3.0 का नेटिव स्टोरेज मिलता है। रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे पोको F2 Pro में 64MP सोनी IMX686 कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा। बात करते हैं OnePlus 8 की तो यहाँ पे आपको 48MP सोनी IMX586 प्लस 16MP अल्ट्रा वाइड प्लस 2MP माइक्रो लेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे पोको F2 Pro में आपको 20MP वाला पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वही OnePlus 8 में आपको 16MP वाला फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे पोको F2 Pro में 4700 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 30W फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। बात करें OnePlus 8 की तो यहाँ पे आपको 4300 mAh वाली बैटरी मिलती है, साथ में 30W चार्ज की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। OS की बात करें यहाँ पे पोको F2 Pro में Android 10 बेस्ड MIUI 11 विद पोको लॉन्चर 2.0 मिल जाएगा, साथ में OnePlus 8 में Android बेस्ड ऑक्सीजन OS 10 मिल जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक की बात करें तो यहाँ पे पोको F2 Pro में ये सुविधा आपको मिल जाएगी, OnePlus 8 में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते तो यहाँ पे पोको F2 Pro के 6128 वाले वेरिएंट का प्राइस रफली होने वाला है 40,700 रुपीज के आसपास में, 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस होने वाला है 48,900 रुपीज। वही बात कर लेते हैं OnePlus 8 के 6128 वाले वेरिएंट की तो यहाँ पे इसका प्राइस होगा 42,000 रुपये, 8128 वाले वेरिएंट का प्राइस होगा 45,000 रुपये और 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस होगा 50,000 रुपये। फाइनली वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में कुछ डिफरेंसेज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट की फैक्टर है किसी एक डिसीजन पे आने के लिए। पोको F2 Pro में आपको ऑल स्क्रीन डिजाइन वाला एक्सपीरियंस मिलता है, इसी वजह से यहाँ पे आपको इमर्सिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। OnePlus 8 में आपको पंच होल कटआउट मिलता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे कर्ड स्क्रीन भी मिलती है आपको। इन केस अगर आप अपनी स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन चाहते हैं तो यहाँ पे OnePlus 8 को इजीली पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पोको F2 Pro आ रहा है वो अपने स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन के साथ में आ रहा है। 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन का सेम है। यहाँ पे अगर बात करते हैं स्टोरेज वेरिएंट की तो ये पोको F2 आपको बेटर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको UFS 3.1 का नेटिव स्टोरेज मिल रहा है, साथ में LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी बैटरी भी मिल रही है, साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। ओवरऑल में बात करूं इन दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, पोको F2 Pro OnePlus 8 के ऊपर है, क्योंकि मैं इतना तो जरूर बता सकता हूं आपको कि पोको F2 Pro इंडिया में Redmi K30 Pro के नाम से आएगा, और अगर इसका प्राइस 40,000 रुपये के आसपास में रहा तो ये बाकी स्मार्टफोन से बेटर होगा, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है मार्केट में उनसे तो बेटर ही होगा।
इसलिए इस कंपैरिजन का विनर होता है पोको F2 Pro। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, पोको F2 Pro या फिर OnePlus 8, आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद है इन दोनों में से, बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, कैसे भी करो लेकिन कर दो। फिलहाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।